हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रीमियर प्रो एक नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके प्रीमियर प्रो के वर्क फ्लो के बारे में बता देते हैं, ये किस प्रकार कार्य करता है। ये मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपके कैप्चरिंग या इंजेस्टिंग क्लिप से शुरू होते हैं। यानी जब आप प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है टेप को कैप्चर करना या इंजेस्ट करना, जिसमें बहुत सारा काम, बहुत सारी फुटेज हो सकती है। उसके बाद आप वीडियो को कट करते हैं, ट्रिम करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मल्टीपल फिल्टर को ऐड करते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं, और उसके सारे एडिट परफॉर्मेंस के बाद आपका फाइनल आउटपुट तैयार होता है। तो सबसे पहले कंटेंट इंजेस्ट, यानी हम कैसे कंटेंट को इंजेस्ट करते हैं। यदि आप टेप मीडिया है तो उसको हम कैप्चर करते हैं, नहीं तो यदि आपके पास नॉन टेप्स है तो उसको आप रॉ मटेरियल है तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ से फुटेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वीडियो फुटेज है, इसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको डायरेक्ट सबसे पहला काम होता है इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाती है। सबसे पहला काम होता है इंपोर्ट करना। इसके लिए आपको फॉर्मेट की आवश्यकता है, कौन सा फॉर्मेट है, क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। उसके बाद इसको देखने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, आप यहाँ से वीडियो को अपने देख भी प्रीव्यू कर सकते हैं कि वीडियो इसके अंदर क्या क्या है। दूसरा काम जो होता है आपका व्यू कंटेंट, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में जा करके इस वीडियो को यहाँ पर हम देख सकते हैं किस क्लिप में क्या क्या यहाँ पर है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आएगा टाइमलाइन पे ऐड करने के बारे में। टाइमलाइन ऐड करने के बारे में, आप टाइमलाइन पे यहाँ पर क्लिप को ऐड कर देते हैं सीक्वेंस में। इस तरीके से आप क्लिप को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से वीडियोस को आप टाइमलाइन पर ऐड करते हैं। इसके बारे में और सारे शॉर्टकट तरीके हम आगे ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड करने होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट विंडो होती है, यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, इनका हम यूटिलाइज करके हम अपने वीडियो को बेहतर बनाते हैं। डबल क्लिक करेंगे, फिल्टर सेटिंग कर लिए, विंडो पर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होता है इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वीडियो फिल्टर से हमने लगा रखा है तो यहाँ से कोई कलर चेंज करना है तो आप ये देखिए, यहाँ पर आप वीडियो फिल्टर्स लगा करके आपने वीडियो में कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, और उनको कस्टमाइज़ करने के लिए, जब हम कस्टमाइज़ करने की जो बात करते हैं तो आपको इफेक्ट कंट्रोल में जा करके ही यहाँ पर अपने फिल्टर्स को हम कस्टमाइज़ करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार उसको चेंज करते हैं। इसमें कोई टाइटल ऐड करना हो तो टाइटल ऐड करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसमें हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ पर टाइटल मेनू होता है, यहाँ पर टाइटल में न्यू टाइटल ट्रैक डिफॉल्ट स्टिल यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइटल राइट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका टेस्ट कलर जो है ना एक जैसा वाइट ही है और बैकग्राउंड भी वाइट है, इसलिए यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप देखो, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे होगा। यहाँ पर टेस्ट में चेंजेस करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इन सारे ऑप्शंस का यूटिलाइज करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपना फॉन्ट या टेस्ट को, कंटेंट को बना लेते हैं। तो आपका टेस्ट यहाँ पे आया, इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे आप अपना टेस्ट रख सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं अपनी आवश्यकता। इसके बाद आपको रेंडर की आवश्यकता पड़ती है। फाइनल आउटपुट देने के से पहले आपको प्रीव्यू करना होता है तो उसके लिए रेंडर करना पड़ता है। रेंडर करने के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं सीक्वेंस, हम जब जाते हैं सीक्वेंस में यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स होती हैं, इन आउट रेंडर करना है, ऑडियो रेंडर करना है, या केवल सिलेक्शन एरिया रेंडर करना है, इस बारे में हम इसको पहले रेंडर करते हैं। रेंडर करने के बाद आपको एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आप फाइनल आउटपुट जो आपने बनाया है उसको एक्सपोर्ट करना होता है। तो फाइल में जा करके हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करके हैं मीडिया फाइल्स में, या किसी अन्य फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, उसमें हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और फाइनल आउटपुट आपका बन जाता है और आपका फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। ये एक बेसिक वर्क फ्लो है प्रीमियर प्रो में काम करने का। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में Facebook एंड Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।